welcome back to my channel. This is Zainabali from Zainab Cook House. So today I have come to a very nice place in Thane. So this place is very famous for their Bhatti Da Murg, then desserts, and I am going to try some scrumptious dessert and starters and main course, because ek starter khane se kya hota hai. So I am going to enjoy my whole meal here. So like, share and comment and do let me know कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो आइए आते हैं मसालेदार में और खाते हैं कुछ मसालेदार वाली चीज़ें. To enjoy your swing ride, you can come here and you can enjoy your meal with this bachpan wala ride. So guys, I hope you like the ambience of this restaurant, because Mumbai mein aapko kafi ambience milege jo unique hai, but this ambience is damn unique, trust me, and you are going to enjoy with your loved ones here. So do come here and enjoy. To ab main apna khana enjoy karungi. Like kare, share kare aur subscribe kare. Tab tak main thoda sa ride le leti hu. So this is the ambience where you are going to enjoy, and trust me, you will like this restaurant. This comes in Thane and this is known as Masaledar. Masaledar restaurant ka naam to zarur hai, but yahan ka khana, jise zyada masala pasand nahi hai use wo bhi choice hai, aur jise zyada masala pasand hai to of course uska naam Masaledar hai, to aapko zarur se pasand aayega. Aur yahan ka ambience to aapne dekh liya hai, this is damn beautiful. I like this ambience, and if you are looking for some parties, then this is your destination where you can come and enjoy with your loved ones. Kitchen and chef Monty is going to teach some recipes of Masaledar. So be with me and I am going to enjoy this today. So sir, aap kya banane wale hai aaj? Main banane ja raha hu murtaban kukkar. Ha? Murtaban kukkar. So now he is going to make murtaban kukkar. So basically ये कहाँ की रेसिपी है मर्तबान कुकर? जो एक जगह का नाम है. जगह का नाम क्या? मतलब ये बेसिक आइटम है. ओके. तो उससे वो एरिया का फेवरेट है. ओके. सो ये राय के तेल में बनता है. ओके. सो ये बेसिकली सरसों के तेल में बनता है. तो ये स्टार्टर टाइप है, ये एग्जैक्टली क्या है? ये मेन कोर्स है. ये मेन कोर्स है. ओके. तो गाइस, ही इज मेकिंग मेन कोर्स. सो मर्तबान कुकर जो है वो एक जगह का नाम है, सो वहीं से ये रेसिपी बनाई गई है. एंड दिस इज एक्सक्लूसिव एट मसालेदार रेस्टोरेंट विच इज इन ठाणे. सो बी विद अस एंड एंजॉय द टाइप का मसाला मिला है. ओके. ये पांच फोड़न है बेसिकली ना? पांच फोड़न है. ओके. तो जिसमें हम मेथी, कलौंजी, राई, सौंफ है जी, तड़का मारते हैं. ओके. गार्लिक है ये. ओके. ओके. वाओ, दिस इज फैबुलस. तो मुझे ये ढाबे वाली जो फीलिंग हो रही है ना, तो वो आ रही है बेसिकली, क्योंकि ये जो फ्लेम्स होते हैं ना, इसका जो टेस्ट होता है ना, ज़बरदस्त सा होता है. ओके. ये टमाटो की ग्रेवी है. ये कौन सा ग्रेवी है? काजू और काजू का ग्रेवी है. अच्छा, ये जो काजू कनी का पेस्ट होता है उसका है क्या? काजू कनी हम यूज नहीं करते हैं, हम इंपोर्टेड काजू यूज करते हैं. ओके. आप होल काजू यूज करते हैं. सो गाइस, दे डोंट यूज दैट काजू, टाइनी काजू. सो बेसिकली दे यूज होल का कैशूज. एंड नाउ ही इज गोइंग टू पुट सम मसाला. कौन सा मसाला ये? कांदा मसाला. ओनियन. ओके. ओनियन पेस्ट है ये. ओके. ओके. तो ये बेसिकली ये चिकन मैरिनेटेड है. जिंजर गार्लिक पेस्ट में रहता है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट? अंदर सबका नमक मिला के रखते हैं. नमक मिला के रखते हैं. जो अपने चिकन का जो अपन नमक नहीं मिला है जी, उसके अंदर आपको फीकापन लगेगा. ओके. तो इसमें हम नमक और अदरक मिर्ची का पेस्ट बना के रखते हैं. तो ये जो डिश है, ये सब रेस्टोरेंट्स में बेसिकली मैंने कभी देखा नहीं है. मेन डिफरेंट है. ओके. ये जो अपना स्पेशल स्पेशल डिश है मसालेदार की. ओके. सो गाइस, दिस इज अ स्पेशल डिश ऑफ मसालेदार. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कम टू मसालेदार रेस्टोरेंट, डू ऑर्डर दिस रेसिपी फ्रॉम देम.
किचन की मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला। ओके, सो ऑल दिस मसाला यू गाइस ओनली मेक, और दिस इज अ रेडीमेड मसाला यू? नहीं, हम जो आप खुद बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। ओके, अच्छा मैंगो अचार। सो गाइस, हैव यू एवर हर्ड चिकन में मैंगो अचार जा रहा है, बट दिस डिश रिक्वायर्स अ लिटिल टेंगीनेस, सो दे हैव पुट सम मैंगो का पिकल इन दिस। ओ गॉड, नाउ दिस इज सो टेंटिंग, आई डोंट नो व्हेन आई एम गोइंग टू ईट दिस, बिकॉज अचार वाला जो रेसिपीज होती है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एंड दिस वॉज अ बिग गुडी फॉर मी। ओके, ये बेसिकली ऑयल है ना? ऑयल है, मगर ये ऑयल से बेहतर है, मतलब बेहतर। ओके, ये रोगन जोश वाला जो ऐसा ऑयल होता है वैसा नहीं? रोगन जोश नहीं, राउंड वाला नहीं है, जैसे अपना रतन जोश होते हैं। रतन जोश, ओके। सो ही इज गोइंग टू एंड दिस विद अ डॉलप ऑफ बटर इन दिस। ओके, सो आई डोंट नो और क्या क्या शेफ डालने वाले हैं इसके अंदर, एंड टू मेक दिस रेसिपी द वर्ल्ड्स बेस्ट रेसिपी, लेट्स सी। ओके, क्वाइट हॉट। नेवर हैड दिस रेसिपी इन एनी रेस्टोरेंट, द टेंगीनेस ऑफ दैट मैंगो ना, इट्स कमिंग आउट, और वो जो उन्होंने रतन जोश वाला जो ऑयल डाला है ना, जबरदस्त, वेरी नाइस। सो सर, अभी आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं? भट्टी दम मुर्ग, पिंडी वाला। ओके गाइस, सो वी आर गोइंग टू सी कि भट्टी दम मुर्ग पिंडी वाला कैसे बनाते हैं। तो सर बनाना बताइए हमें कैसे। तो इस पे आपने ऑलरेडी मैरिनेशन करके रखा हुआ है, ये जो हमारी चिकन लेग बोनलेस पीसेस होते हैं। ओके, तो जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और मस्टर्ड ऑयल मार के हम मैरिनेशन कर देते हैं क्योंकि सॉफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा सीक्रेट जो है, इसका प्रिपरेशन कुछ अलग है, मसाला बेसिक से ही। ओके, तो ये सीक्रेट मसाला है, और ये जो चिकन आपने यूज किया वो थाइस का है बेसिकली? हां, लेग बोनलेस, लेग बोनलेस। यस, तो गाइस हम लेग बोनलेस का यूज करते हैं वैसे। ओके, ओके, तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये रोस्टर? 15-20 मिनट्स में पूरा हो जाएगा। तो इसको स्कीवर्स में पहले, ओके, स्टेनलेस स्टील। ओके, तो इसमें बेसिकली जंग वंग नहीं लगती है ना, रस्टिंग नहीं होती है? ओके, स्टील होता है इसलिए हम यूज करते हैं। ओके, बहुत लंबा टाइम तक यूज कर भी सकते हैं और अच्छे से। So guys, he has put this skewer in the tandoor, so it will take around 15 to 20 minutes, and after 15 to 20 minutes, so guys, he is brushing some butter over this, of course. Guys, now every trending ice cream parlors or fine dine restaurants are adding this dish to their menu. So basically, it's a dry ice and liquid nitrogen. So by combining both, we get this delicious kulfi falooda 2.0. So guys, I must tell you, this elaborate dessert have an ice cream base layered with beautiful, delicious falooda and gorgeous mixed dry fruits over top. Especially like, yeah, I love the color of this pistachios and all. Okay, so if you see the save of this falooda, it's very thin, because if you see normally it is very thick, and I don't like that thick wala system. So I just love this dessert, and I'll tell you, this smoke is certainly mesmerizing of this nitrogen, yeah, and this is their best signature dish
in deserts. So guys, this one is Kulfi Faluda 2.0 and this one is Motichur ka laddu cheese cake aur ye hai jalebi with saffron rubbery foam. और ये तो है हमारा सबसे बेहतरीन जो आपने आपने देखा बनाते हुए शेफ़ ने जो बनाया है मर्तबान कुकड़ विद उल्टा तवा पराठा, ठीक है. और ये वाला जो है वो है पिंक पराठा, इसके साथ है ज़बरदस्त वाली तरकारी केसरी बिरयानी विद वेजिटेबल रायता. सो हियर इज़ अ रायता, दिस इज़ बास्केट चाट. और ये है प्यारी सी कचौरी जो है टमाटो की ग्रेवी के साथ. और ये जो है ये भी आपने देखा है भट्टी मुर्ग पिंडी वाले, एंड दिस वन इज़ उल्टा तवा पराठा, ठीक है. तो ये जो है वो है मर्तबान कुकड़ के साथ, और जो पिंक वाला जो पराठा है वो है पिंडी छोलों के साथ. सो दिस इज़ वन इज़ पिंक गार्लिक बेसिकली नान. और बहुत बातें हो गई गाइस, सो अभी तो हमें खाना चाहिए, राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फूड बिकॉज खाना इतना है टेबल पे एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट. सो विल स्टार्ट द फूड. लाइक कमेंट शेयर, और आपको ये खाने का हर एक रिव्यू डिटेल में मिल जाएगा. चेक आवर इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, एंड यू कैन सी बिलो ऑल्सो आई हैव रिटन एवरीथिंग इन डिटेल कि इसका कितना रेटिंग्स होता है. मैं हर एक खाने का रेटिंग्स लिखती हूँ प्रॉपरली, सो यू कैन चेक आउट एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसे लगा. सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी खाना स्टार्ट करते हैं. ओके, सो वॉट आई एम गोइंग टू ईट इज, सो फर्स्ट आई ट्राई दिस कुल्फी फालूदा. इनफैक्ट ये तो आपने देखा कि किस तरीके से फोम नाइट्रोजन से बनता है. सो आई एम डूइंग ट्राई. दिस इज डिलीशियस, यू कैन सी दिस इज माउथ वाटरिंग. इसमें बटर स्कॉच का भी फ्लेवर है, यू कैन गेट द फ्लेवर ऑफ रसमलाई आल्सो. और इसमें जो सेव यूज़ किया है ना फालूदा का, काफ़ी टाइम देखो तो आप थोड़ा थिक सेव होता है, बट ये बहुत ही थिन सेव यूज़ किया है. सो आई लाइक दिस सेव मच. आई एम नॉट अ फालूदा लवर, बचपन में खाया करती थी, बट नाउ आई डोंट लाइक मच फालूदा, बट दिस फ्यूजन काइंड ऑफ अ थिंग आई लव्ड इट. सो अभी हम खाते हैं थोड़ा सा कुकड़, ठीक है. तो ये थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, यू कैन सी द ग्रेवी, थिक ग्रेवी दिस इज. और बेसिकली इन्होंने इसमें गार्लिक डाला है, जिंजर नहीं डाला है. दे हैव पुट सम जूलियंस इन दिस. तो थोड़ा सा नान के साथ खाएंगे, उल्टा पराठा जिसे बोलते हैं. विल टेस्ट. नॉट बैड, इज वेरी नाइस. ओके, तो अभी थोड़ा सा पिंडी छोले ट्राई करते हैं. विद पिंक नान, गार्लिक नान. सो बेसिकली पिंक जो है वो बीटरूट से भी डाला जाता है और कलर भी डाला जाता है. सो यू कैन, वेन एवर यू वॉन्ट टू ऑर्डर दिस, यू कैन आस्क द शेफ़ लाइक किस तरीके से बनता है ये, तो आप अकॉर्डिंगली खा सकते हैं. पराठा से ज़्यादा अच्छा मुझे ये पिंक नान लगा. और छोले जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही गले हुए हैं, और उसमें पंजाबी जो फ्लेवर होता है उसका टेस्ट आ रहा है. नाउ विल ट्राई सम भट्टी का मुर्ग. तो सीरियसली यार, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा स्टार्टर है.
This is very soft, marinated with some special kind of masalas in this, and with hunkar. And ये जो है इसका जो मसाला है वो पूरा स्टिक्ड है. This is not kind of a boiled kind of a starter. ये एक्चुअल में पूरा प्रॉपरली बना हुआ है. You can see, बहुत ही इजीली टूटता है. So guys, now I'm going to taste some kanda kachori. इसमें कांदा, एक्चुअल में जब मैंने तोड़ा है इसको तो सिर्फ कांदा ही दिखा है, बिकॉज इसमें ये जो है कोई कोई कचौरी जो होती है उसमें प्याज होते नहीं है, सिर्फ नाम के प्याज बोला जाता है. बट इसमें आप देखोगे स्टफिंग इज फुल ऑफ ओनियन. इतने सारे चीज़ें हैं आपके के लिए. मैं थोड़ा सा वेज बिरयानी ट्राई कर लेती हूँ. इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स है बट इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है. जैसे वेज बिरयानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है. बट इसका जो स्पाइसेस है वो थोड़ा सा अलग है. दिस इज़ तरकारी केसरी बिरयानी विथ वेजिटेबल रायता. सो इसमें जो है वो केसर का फ्लेवर आपको थोड़ा सा आएगा. वी हैव सम रायता. तो अभी थोड़ा सा जलेबी ट्राई करते हैं. जलेबी जो है बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प है. और इसका जो क्रीम है इट्स अ फ्रॉग बेसिकली. आप भी देखिए, ये ऐसे जलेबी लिया हमने, इसको ऐसे डिप किया और ये रहा हमारा जलेबी. सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ माय फूड. सो इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट. मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.